मुख्तलिफ बेकरीज के होते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए बटर तकरीबन 125 ग्राम, और आइसिंग शुगर चाहिए हमें 65 ग्राम, मैदा हमें चाहिए 150 ग्राम, मिल्क पाउडर चाहिए 25 ग्राम, एक अंडा चाहिए हमें जिसमें से हम सिर्फ 2 ड्रॉप्स यूज़ करेंगे, इसके अलावा 1 टीस्पून हमें चाहिए कोको पाउडर और फ्यू ड्रॉप्स हमें चाहिए वनीला एसेंस के। हमारे यहीं बटर ले लेंगे हम, और बटर को अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें आइसिंग शुगर डाल देंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से बीट करेंगे। आराम आराम से बीट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें हमारे पास ये मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर लेंगे, और ये हमारे पास अंडा है, इसे हम फेंट लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 2 टेबलस्पून अंडा चाहिए, लेकिन और अंडा हमारा ख़राब नहीं होगा, वो हमें ब्रशिंग करने के लिए काम आएगा, तो हम सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही अंडा लेंगे 2 टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमें फ्यू ड्रॉप्स चाहिए वनीला एसेंस के, अगर आप चॉकलेट बना रहे हैं तो चॉकलेट एसेंस डाल दीजिए, वरना वनीला एसेंस तमाम किस्म की आपके बिस्किट्स के लिए बेस्ट है। मैदा थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसे हिलाते जाएंगे। गर्मी है इस वजह से हमारा जो बटर है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गया है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारा बटर माशाल्लाह अच्छा बन गया है। हमारा बैटर जो है वो अच्छी तरह से बीट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अच्छा, हम 2-4 किस्म के बनाएंगे अपने बिस्किट्स, तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सा आटा थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि थोड़ा सा, और दोबारा से ये जो हमारे पास बीटर है हमारा उसी को ही ले लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। रहीम, ये देखिए हमारे बिस्किट का डो है जो हमने बनाया था वो, और ये हमारा कोको पाउडर मिला हुआ दोनों डो हैं। इसके अलावा हमें चॉकलेट चिप चाहिए तकरीबन 4 टेबलस्पून, इसके अलावा हमें ये पीनट्स चाहिए जिसे हमने हल्का हल्का सेक लिया है और इसे कूट लिया है, बारीक नहीं कूटना, मोटा मोटा कूटना है। इसके अलावा ये कोकोनट है हमारे पास, ड्राई कोकोनट, इसके अलावा जैम। तो हम कुछ डिफरेंट बिस्किट्स बनाएंगे, उस पर ये डेकोरेशंस करेंगे। चलिए आइए हम बिस्किट्स बनाते हैं।
पानी रहीम, पहले हम अपना ये वाला डो ले लेते हैं जिसमें हमने कोई कोको पाउडर मिक्स नहीं किया, इसे हम हाफ कर लेते हैं। और अब हम इसके अंदर गिरा देंगे ये अपना कोकोनट, ड्राई कोकोनट। आपकी मर्जी है, आप जितना मिलाना चाहें, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून, कुछ हमने बचा लिया है, वो इसलिए बचाया है ताकि हम उसे ऊपर भी डेकोरेट करें। ये देखिए, आज गर्मी कुछ ज़्यादा है इसलिए हमारा जो बटर है बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा है। और इस तरीके से आप इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। मानी रहीम, ये देखिए हमने मिक्सिंग कर ली, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा आप मैदा यहाँ छिड़क दें, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं छिड़केंगे। ये देखिए आपका जो डो है वो हल्का हल्का इस तरीके से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे आप बेलें, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं इसी तरीके से। तकरीबन 1/2 इंच जितना आपका मोटा रहना चाहिए डो। और ये मेरे पास कटर है, बहुत सारे डिफरेंट्स आते हैं, आप कोई भी शेप्स ले लीजिए, मेरे पास ये गोल भी है, मैं ये ले लेती हूँ। ये देखिए, ओके, ये देखिए, ये आप शेप दे दीजिए। और ये जो हमारे पास जो डो है ये ज़ाया नहीं करेंगे हम, दोबारा से इसी से ही अपने बिस्किट्स बना लेंगे। अब जो आपके पास बिस्किट्स बचे हैं, ये जो बिस्किट्स हैं इन पर आप अंडा लगाइए, हल्का हल्का से लगाइए, ज़्यादा नहीं, अंडे से ब्रश कीजिए। और हमने जो ये कोकोनट बचाए हुए हैं, ये कोकोनट इस पर लगा दीजिए इस तरीके से। और अपनी बेकिंग ट्रे पर इसे रख दीजिए। थोड़े थोड़े फासले से रखिएगा वरना आपके बिस्किट्स जो हैं वो फैलेंगे और ख़राब हो जाएंगे इस तरीके से। और इसे बेक कर लीजिए। मानी रहीम, ये जो हमारा डो बच गया है अब हम ये ले लेंगे, छोटा सा बॉल बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे बॉल बना लीजिए और बीच में एक राउंड कर दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से डो बनाइए और बीच में राउंड कर दीजिए इस तरीके से। और अब आप अपनी ट्रे ले लीजिए, आपने इस पर ये लगाइए आपके जो बिस्किट्स हैं, इसमें आप जैम भरेंगे। जैम बिल्कुल 1 ड्रॉप भरना है आपको, ज़्यादा नहीं भरना, बिल्कुल 1 ड्रॉप, क्योंकि ये मेल्ट होगा जब हम बेकिंग करेंगे तो ये मेल्ट होगा, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा आप नहीं डालेंगे जैम, आपके बिस्किट्स ख़राब हो जाएंगे। ओके, ये हमारे जैम वाले बिस्किट हो गए। रहमानी रहीम, ये देखिए हमारा डो जो है इसमें आप ये पीनट्स हैं हमारे पास जो हमने भून ली थी और उसको ग्राइंड कर लिया था, इसको आप अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लीजिए। आपका आटा इसी तरह से होगा, कोई मसला नहीं है, आप घबराइएगा नहीं, अच्छी तरीके से इसमें फिल कर लीजिए। इसमें लाल रमानी रहीम, देखिए इसमें पीनट हमने मिक्स कर दी है। अब बिल्कुल हल्का सा आप डस्ट करेंगे अपने डो को और हल्के हाथों से आप इसे इस तरीके से बेलेंगे और फिर कटर से इस तरीके से शेप दे देंगे। देखिए ये पीनट वाले बिस्किट्स हैं। ओके, इस तरीके से आप इसको शेप दे दीजिए। ओके, देखिए
अब आप इसको ब्रश कीजिए। आपको अंडा लगाना है इस पे। और ये जो हमारे पास पीनट्स हैं कुछ, ये आप इस पे लगा दीजिए। ज़्यादा लगाएं कम लगाएं वो आपकी मर्जी है। ओके, तो इस तरीके से हल्का हल्का सा दबा दें और इसको बेकिंग ट्रे पर रख दें। इस तरीके से बेकिंग ट्रे पर हमारे 3 टाइप्स के बिस्किट्स तैयार हैं, कोकोनट बिस्किट, जैम बिस्किट और ये पीनट बिस्किट। ये हमारा कोको पाउडर वाला मिला हुआ 2 है, ये ले लेंगे हम। इसमें से मैं कुछ रख देती हूँ थोड़ा सा, मुझे एक और डिज़ाइन आपको दिखाना है। और अब आप इसमें चॉकलेट चिप मिला लीजिए। चॉकलेट चिप आपकी मर्ज़ी है, मैं 2 टेबलस्पून जितने चॉकलेट चिप इसमें मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, ओके। हाथों की गर्मी से भी आपका जो इसमें बटर है वो मेल्ट होगा और आटा आपका जो है वो इजीली आपके हाथों पे अच्छी तरह हैंडल हो जाएगा। अब इसके भी आप गोल गोल से राउंड्स बना लें इस तरीके से, देखिए। ओके, और इसको इस तरीके से चपटा कर दें और आपके जो ये चॉकलेट चिप हैं उसको इस पर इस तरीके से लगा लीजिए। फिर वही, ज़्यादा लगाना चाहें ज़्यादा लगाइए, कम लगाना चाहें कम लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, ओके। और अब आप इसको अपने पैन पर रख दीजिए। इसी तरह हम सारे बिस्किट्स बना लेंगे। बहुत इजी है, एक ही डो है, बस डिफरेंट आपको फ्लेवर्स बना लेने हैं। अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो कोको पाउडर मिला लीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई और फ्लेवर चाहिए तो आप पीनट बनाना है पीनट बना लीजिए। इसी तरीके से ये बनते जाएंगे। इस तरीके से आपने इसको राउंड किया अच्छी तरीके से अपने हाथों की मदद से, इसे अच्छी तरीके से देखें, इस तरीके से राउंड किया आपने। और राउंड करने के बाद आपके चॉकलेट चिप जो हैं आप इस तरीके से इस पर लगा दीजिए, ठीक है। ज़्यादा लगाना चाहें कम लगाना चाहें, बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं टिफ़िन के लिए। ये देखिए, इस तरीके से ये बन गए आपके बिस्किट्स। रहीम, ये देखिए, ये हमारा बिस्किट डो जो है चॉकलेट कोको पाउडर वाला, और ये हमारे पास जो है पीनट वाला बच गया है। अगर प्लेन हो प्लेन ले लीजिए, पीनट वाला हो पीनट वाला ले लीजिए। अब हम इसमें से छोटी सी एक बॉल बनाएंगे इस तरीके से, देखिए। अच्छी तरीके से इसको ब्राउन कर लीजिए, ठीक है। ये बॉल आप बना लीजिए। और एक हम बॉल बनाएंगे इसी साइज़ की कोको पाउडर की, जिसमें हमने कोको पाउडर मिक्स किया था डो की, और उसको भी इसी तरीके से राउंड कर लेंगे। अब इन दोनों को ये देखिए इस तरीके से मिला लीजिए ऐसे, और अच्छी तरह से ये राउंड कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए शेप बनता जा रहा है आपका। ये देख रहे आप इस तरीके से इसका शेप बनता जाएगा और ये आपका बिस्किट रेडी। ओके, और इसको भी अब आप बेकिंग ट्रे पर रख दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे बिस्किट जो हैं वो रेडी हैं। हम इसे बेकिंग की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए आइए, हम इसे बेक करते हैं। इसे बेकिंग का टाइम जो है 180 डिग्री पर आपको बेक करना है इसको, और तकरीबन 12 से 13 मिनट तक इसको बेक करेंगे। मान रही हूँ, ये देखिए हमारे बिस्किट जो हैं वो रेडी है। ये देखिए, ये हमारे कोकोनट बिस्किट हैं, ये हमारे पीनट बिस्किट हैं, और ये हमारे चॉकलेट चिप बिस्किट है। ये देखिए माशाल्लाह रेडी हैं। चलिए हम इसे डिश आउट करते हैं। रहमान रहीम, ये देखिए हमारे बिस्किट रेडी हैं, बिल्कुल बेकरी जैसे बिस्किट बने हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जज़ाकअल्लाह।